प्रयागराज जनपद में उमेश पाल और दो सुरक्षा कर्मियों के हत्याकांड में मुख्य आरोपित माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद साथी गुलाम समेत उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स टीम के द्वारा झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। इस दौरान पुलिस को अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी उनके पास से बरामद हुए हैं। एसटीएफ से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार दिल्ली से भागने के बाद असद और गुलाम यूपी बॉर्डर के पास मध्य प्रदेश की सीमा में ही थे। वहीं से एसटीएफ ने दोनों का पीछा किया और झांसी के बड़ागांव थाना इलाके में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने एसटीएफ की टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों को ढेर कर दिया गया। दोनों के पास से पुलिस को हथियार मिला है, इसकी पुष्टि एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने की है। उल्लेखनीय है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा और 5 लाख का इनामी असद उसका साथी गुलाम गुरुवार को झांसी में एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गया। मुठभेड़ में मारे गए दोनों इनामी ने बीती 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की सुलेम सराय क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से फरार चल रहे थे। वारदात के बाद असद सहित 5 अभियुक्तों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। थाना चिरगांव के अंतर्गत पारीछा डैम के पास जो अतीक जो माफिया अतीक अहमद का लड़का असद और उसका शूटर गुलाम दोनों यहां पर उनका एनकाउंटर हो गया। आपको बता दें, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जंगल है और आपको जो गाड़ी दिखा रहे हैं इसी गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी है इसी पर दोनों सवार थे। यहाँ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने दोनों को मार गिराया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस मौके पर है और यहाँ पर इसी जगह जो आप देख रहे हैं जो घेरा है इसी जगह इसकी गाड़ी पड़ी थी और साथ में और दोनों की बॉडी। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद जो उनका लड़का है असद उसको ढेर कर दिया गया जहां और शूटर जो गुलाम है उसको एनकाउंटर कर दिया। करीब कई राउंड फायरिंग हुई यहां पर और पहले असद और गुलाम शूटर के से फायरिंग की गई, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया। यही गाड़ी है जो अतीक अहमद के लड़का और गुलाम जो शूटर है इसी गाड़ी से बिना नंबर की गाड़ी है। आप देख सकते हैं किस पर कोई नंबर नहीं है और ये जो पारीछा क्षेत्र का एक जंगली क्षेत्र बिल्कुल है, बिल्कुल एकांत माना जाता है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर पुलिस मौके पर आ रही है और यहाँ पर जो अधिकारी मौके पर आ रहे हैं। एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको आपराधिक कृत करते हुए सबने देखा है मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा
डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। इसके टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।